हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे आया हूं और इस जगह को कहते हैं गोलाबार। और पहाड़ से जो आदमी नीचे उतर के आए हैं, उन्होंने एक खूबसूरत जन्नत, मैं इसको जन्नत कहूँगा, बहुत ही शानदार जगह है और एक अच्छी खूबसूरत कॉलोनी। और इस कॉलोनी में आप देखेंगे ऑर्गेनिक फ्रूट तो हैं ही, बगीचे मिलेंगे आपको। मैं चारों तरफ घुमा रहा हूँ और इन बगीचों के अंदर, खेतों के अंदर अपना घर बनाना एक शानदार सपने से कम नहीं है दोस्तों। और ऐसे ही मैं इस सपनों की नगरी में आया हूँ और ये नगरी मुझे खूबसूरत लगी। और खूबसूरत फूल फ्रूटों की तो बाहर है, जहाँ देखेंगे आम पे बोर आया हुआ है, बहुत शानदार जगह। और पक्की रोड और नदी भी है यहाँ, बरसाती नदी, जिसके पानी से यहाँ सिंचाई होती रहती है। और ऐसे ही हमारे दोस्त का ये घर है, प्रकाश जोशी जी, तो उनके घर पे भी आया हूँ आज। और मेरे साथ गुड्डू भाई भी हैं तो मुझे अच्छा लगा आगे। घर तो इन्होंने बहुत शानदार बनाया है, बहुत ही शानदार घर बनाया है। और घर की बाहर की लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ। और घर के सामने ये आम के बगीचे, ये देख सकते हैं बोर आया हुआ है। और पहाड़ में अभी तक पेड़ों पे बोर नहीं आया है, लेकिन यहाँ हल्द्वानी में यहाँ पर बोर है, यहाँ फ्रूट लगने की तैयारी है। नई वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो भाई ये यहाँ की लोकेशन है, इतनी शानदार जगह है, प्याज लगाए हैं, खेती बाड़ी हो रही है, दूर दूर लोगों ने घर बनाए हैं, बहुत शानदार जगह, जैसे अपने अपने फार्म हाउस टाइप, सुंदर सुंदर घर और एक अच्छी आबो हवा में, नेचर के अंदर, खेतों के अंदर शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, तो यहाँ की विशेषता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये, टेंशन से दूर और नेचर के बीच में ये घर। अब मैं घर के अंदर चलता हूँ। तो भाई आज हम जोशी जी के घर आए, चाय पी, बड़ा अच्छा लगा और आदमी बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ की एक खूबी बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, खूबी ये है कि ये लोग 14-14 बिल्ली पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। तो जो आदमी जानवर पालता है, जानवरों को इतना प्रेम करता है, तो इंसान को कितना प्रेम करते होंगे। तो बहुत अच्छे आदमी लगे हमें। ये गोला पार जा रहा है, ये है भाई गोला नदी। ये गोला नदी है ना, ये गोला नदी है। और बारिशों के टाइम पे इतनी भर भर के चलती है, भर भर के चलती है, लेकिन अब इस टाइम कहीं कहीं पानी दिख रहा है, क्योंकि पानी सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। हाँ, अच्छा, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारा। और सामने रेलवे स्टेशन देखो, रेल की रेल खड़ी है। ओहो, हाँ, ये सामने काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोला नदी। और ये गोला नदी का मैं पुल दिखा रहा हूँ, बहुत ही बिजी रहता है ये, और बहुत शानदार जगह है। पहाड़ की वादियों में ये नदी का बहाव, खूबसूरत झरने, तो ये नदी यहाँ पर सुंदरता के, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चार चांद लगाती हुई एकदम से
नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में एक शानदार नमूना गोला नदी। फ्रेंड्स, मेरे इधर से लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये फ्लाईओवर बन रहा है और इस फ्लाईओवर पे बहुत शानदार काम चल रहा है, बड़ी स्पीड से चल रहा है, दिन रात काम कर रहा है और इस फ्लाईओवर की वजह से ही काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा बहुत शानदार सफ़र हो जाएगा और भीमताल का सफ़र यहाँ से शुरू होता है, ये पहाड़ शुरू होते हैं। तो भैया, हमारा आज गोला पार जाना हुआ और जोशी जी के घर गए, मिल के अच्छा लगा। और गोला पार से हम वापस आते हुए मैं यहाँ नेचर की खूबसूरती मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये भीमताल का रास्ते के अंदर ये बहुत खूबसूरत जंगल और इन जंगलों के बीच से, इन पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ये सड़कें, ये इस बात की गवाह है कि आप नेचर प्रेमी हैं और नेचर को नज़दीक से देखने के लिए काफ़ी लोग, काफ़ी टूरिस्ट इस पहाड़ के अंदर आते हैं। तो भाई, गोला पार के बाद हम भीमताल की तरफ चले और भीमताल के ऊपर की तरफ चलने के बाद हम एक छोटी सी दुकान पर रुके हैं जो रोड किनारे है और ये चाय बनाता है बढ़िया वाली और हम चाय पियेंगे। हालांकि चाय हम गोला पार में पी, अच्छी चाय थी और हम थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा क्योंकि पहाड़ के अंदर गाड़ी चलाना थोड़ा मेहनत का काम है क्योंकि काफ़ी डेंजर रास्ते, लेकिन इन डेंजर रास्तों के अंदर एक खूबसूरत और एक सुंदरता छुपी हुई है, एक इंजॉय। और किसी ने कहा कि डर के आगे जीत है, तो भाई काफ़ी मज़ा आता है। और अब हम यहाँ रोड किनारे एक छोटी सी हट, यहाँ हम चाय पियेंगे। और देखो ये क्या चीज़ है सर, ये गडरी सब्जी, ये गडेरी बोलते हैं इसको, ये सब्जी है और ये बहुत ही नए किस्म की सब्जी है, पहाड़ी सब्जी है ये, तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पर। और मैं इसकी दुकान भी दिखा देता हूँ, छोटी सी दुकान है लेकिन सारी चीज़ें रखता है ये। हाँ, क्या नाम है सर आपका? ये सुनील पलड़िया, ये पहाड़ का नौजवान रोजगार कायम कर रहा है रोड किनारे। आप इसे भी शिक्षा ले सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता, सब काम काम होता है। तो भाई, हम यहाँ चाय पी रहे हैं, बाकी की बातें बाद में होती है। भाई, चाय पीने के बाद हम चल पड़े हैं ऊपर की तरफ, पहाड़ के टॉप की तरफ। और ये हमारी इम्पाला खड़ी है, शानदार छोटी सी गाड़ी है लेकिन पहाड़ में छोटी गाड़ी कामयाब है। शानदार पहाड़ों के रास्ते, जंगल के रास्ते, नेचर के रास्ते, प्रकृति के रास्ते, घुमावदार सड़कें, बहुत शानदार जगह है भीमताल, मस्त मज़ेदार जगह भीमताल। और उसी का रास्ता मैं आज दिखा रहा हूँ, गोलापार से भीमताल का रास्ता। ये डेंजर रास्ते, और डेंजर रास्ते में गाड़ी चलाने में आता है आनंद, लेकिन भाइयों, ज़्यादा आनंद के चक्कर में गाड़ी गलत ड्राइविंग ना करें, सावधानी से चलें, नहीं तो वही बात हो जाएगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ना पहाड़ों की रानी मसूरी, और मैं कहता हूँ पहाड़ों का राजा भीमताल, क्योंकि पहाड़ों की जो खूबसूरती जो भीमताल में बनती है ना, वो ऊपर टॉप में जाना हमें, तो मैं इसको राजा का नाम देता हूँ, पहाड़ों का राजा भीमताल, क्योंकि यहाँ तालों की भरमार और सबसे बड़ा ताल भीमताल, तो इसलिए मैंने उसको राजा का नाम दिया है। तो पहाड़ों की रानी तो मसूरी हुई, लेकिन पहाड़ों का राजा हुआ भीमताल। तो भाई, भीमताल राजा से कम नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार जगह है, मुझे नहीं लगता कोई पहाड़ में और हो गई।
नैनीताल के अंदर एंट्री हो गई है भाई हमारी, गाड़ियों की लाइन, क्योंकि काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ गर्मी के समय में। आखिर हम पहुंच गए भीमताल, और भीमताल के अंदर भवाली, ये देखिए इस तरफ भवाली, रानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो फ्रेंड्स, पहाड़ों का राजा भीमताल और तालों का ताल भीमताल, और ताल तो बहुत बड़ा है, और नकुचिया ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, तालों के ताल में सबसे बड़ा भीमताल। तो जैसे पहाड़ों की रानी को, मसूरी को पहाड़ों की रानी बोलते हैं, तो मैंने भीमताल देखने के बाद मुझे लगा कि इसका भी नाम बदल देना चाहिए। मैं कहता हूँ पहाड़ों का राजा भीमताल, और उसी के बीच में ये रोड आ रहा है। खूबसूरत जगह आती है, घुमावदार सड़कें, ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य, और पीछे गाड़ियों की लाइन, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इस रोड पर। ये दोपहर का समय है, और मुझे लगा आज मुझे यहाँ की वीडियो बनानी चाहिए, तो बहुत शानदार जगह है। तो फ्रेंड्स, गर्मी से निजात पाने के लिए, अच्छा हाँ, भीमताल के अंदर घरों में पंखे नहीं है, विशेष करके पांडे गांव में, क्योंकि ठंडा इतना है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पंखे नहीं हैं पांडे गांव के अंदर। ये भीमताल के अंदर एंट्री हो गई है भाई हमारी, गाड़ियों की लाइन, क्योंकि काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ गर्मी के समय में। तो भाई हम भीमताल में आ गए, और ये हमारा ताल भीमताल, पहाड़ों का राजा भीमताल, सबसे बड़ा ताल है ये, खुरपा ताल, नैनीताल, और ये भीमताल, ये बहुत नकुचिया ताल, इन सबसे बड़ा ताल है ये, और इसीलिए इसको तालों का ताल, तालों का राजा, पहाड़ों का राजा भीमताल कहा जाता है। खूबसूरत घाटियाँ, खूब ऊँची ऊँची पहाड़, और इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं में, इन घाटियों के बीच में ये भीमताल है।